हाँ दोस्तों, कैसे हैं? अभी जो मैं शेयर लेके आया हूँ वो दिलीप बिल्डकॉन है, और इसमें बहुत जो उछल कूद हो रहा था, और अभी वापस देखेंगे कि इसका न्यूज है, इसको 100 करोड़ का कुछ ऑर्डर, 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये वापस पॉजिटिव ले लिया। इसका हाई देखेंगे तो आपको सरप्राइज होगा, 1247 है, लो देखेंगे 365 है। इसमें आज तक कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर, जितने भी, ये एक ऐसा शेयर है बिलीव नहीं करोगे आप, किसी का रिकमेंडेशन लोग कोई भी ना नहीं बोलता है, और ये 1200 से लगातार कंटिन्यू तोड़ा जा रहा है। 1200 से जब ये 800 आया था पहला लेवल, इसने 1200 800, तो एएसएम में जब था उस समय इसका आ गया था ना, तो वहां पे आया कि एएसएम से निकला, अब ये बढ़ेगा। और वापस आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूं, इसको वीकली चार्ट पे ले लेते हैं, तो आप देखेंगे जब ये यहाँ पे हाई बना रहा था, ये देखिए 1200 के आसपास बना, 1247 का है, तो ये लो गिनते हुए यहाँ पे 859 का क्लोजिंग दिया था, और यहाँ से फिर एक, यहाँ से कुछ दिन तक खड़ा रहा, एएसएम का बहाना रहा कि अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर नीचे करने लगा ये, और यहाँ तक से गिरने का एएसएम का बहाना था। उसके बाद जब यहाँ एएसएम से गिरा, फिर उसके बाद नीचे आया कि ऑडिटर रिजाइन दे रहे हैं, सीएफओ रिजाइन दे रहे हैं, इनका डेप्ट बढ़ते जा रहा है, इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो प्लीज होते जा रही है, और ऐसे करते 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 वापस ये फॉल करके 500 तक, 600 तक आ गया। यहाँ तक तो दूसरा न्यूज रहा, वापस फॉल किया, फिर वापस आप देखेंगे तो यहाँ पे से अब इसने ले लिया 600 के बाद, ऐसा कोई ऑडिटर रिजाइन नहीं दे रहा है, कोई भी कुछ नहीं हो रहा, ऑडिटर सेम है, सीएफओ को गड़ी, फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत अच्छा आया करके ये अप ले लिया। फिर यहाँ से एक फॉल चालू हो गया इसका ना, और वहाँ पे ये न्यूज आया कि एमपी में इलेक्शन है, एमपी के शेयर होल्डर लोग उसमें जो है एमपी में ज़्यादा इसका क्वांटिफाई है, आईओसी का इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया, उसके प्रोजेक्ट से लेकर के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, और फिर ये फॉल करते 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 300 का लेवल तोड़ दिया, और जब 300 का लेवल तोड़ा और लो 365 का, सॉरी 400 का लेवल तोड़ा और 365 का लो बनाया, तब सारे फाइनेंशियल, अभी इस पर कोई एडवाइस, अभी कोई एडवाइस आपको कोई नहीं दे रहा है, इसमें सारे एडवाइस मिलने बंद हो गए अभी। तो चलिए ये कंपनी क्या है एक बार इसको देख लेते हैं छोटा सा इसको। तो दिलीप बिल्डकॉन इज एन इंडिया बेस्ड कंपनी इंगेज इन बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी बेसिस। जैसा मैंने आपको बताया केएनआर कंस्ट्रक्शन का बताया, वैसे ही केएनआर कंस्ट्रक्शन के दिलीप बिल्डकॉन भी सेम काम करती है, दोनों सेम ही है। अब इसका फाइनेंशियल देख के आपको लगेगा ये तो केएनआर से भी अच्छा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप इसका सेल्स ग्रोथ देखिए तो 44%, फेस वैल्यू 10, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17%, प्राइस टू बुक वैल्यू शिफ्ट 2.22, कैश इसके बाद देखिए तो 161 करोड़ का कैश, डेप्ट है 2900, तो वहाँ 1500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखिए 29%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, क्या खराब है फिर? प्रॉफिट लॉस देखिए 7700 करोड़ का सेल के जगह 8500 तो टच कर चुका है, 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें निगेटिव क्या है? आपको निगेटिव तो समझ में नहीं आएगा। अब इसकी एक कोई लाइबिलिटी, एक इससे निगेटिव जो बताया गया, दो तीन चीजें, एक कंटिनेंट लाइबिलिटी इसकी 3394 करोड़ की खड़ी है, कोई केस चल रहा है उसके भी एंड में कंटिनेंट लाइबिलिटी खड़ी की गई है। चलो ठीक है, देखेंगे जब आएगा। प्रॉफिट में देखिए गुड क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी इज कंसिस्टेंट गुड प्रॉफिट 5 ईयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी इज बेस्ट 26.5 ईयर, सब तो बढ़िया ही दे रहा है। तो देखने को क्या मिला थोड़ा सा कि इसका जो शेयर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जाएंगे आप तो आप देखिए यहाँ पे प्रमोटर 75.63 एज इट इज मेंटेन कर रहा फर्स्ट डे से। ये एक बहुत ही अच्छा चीज है कि आप ये समझिए कंस्ट्रक्शन के केस में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई भी अपनी होल्डिंग मेंटेन कर रहा है, उसका विजन है कि अच्छा जाएगा तभी ये मेंटेन कर रहा है। लेकिन एक 17.3% इन्होंने प्लीज किया है आरबीएल बैंक और दूसरे जगह पे इनका प्लीज किया हुआ है, और इस न्यूज में भी जब ये न्यूज आया था कि ये शेयर होल्डर प्लीज किए तो शेयर गिरा था इनका। एफआई जो लास्ट क्वार्टर में सेल किया था, अब देखिए एफआई ने इस क्वार्टर में बाई किया है, म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग जो सेल की थी, म्यूचुअल फंड ने भी अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, तो इसके लिए ये रीजन है, यही एक रीजन है। इनफैक्ट ये प्लीज रखा हुआ है, इनके पास जो डेप्ट का पेमेंट देखेंगे
इंटरेस्ट का पेमेंट देखेंगे, वो 22% की इंटरेस्ट रेट से पेमेंट कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट का पेमेंट वो भी बहुत हाई है। तो इंटरेस्ट रेट का इन पे जो आ रहा है, इंटरेस्ट रेट का पेमेंट आ रहा है, वो बहुत ही हाई आ रहा है। तो ये सब कारण से, कुछ कारण से इसके शेयर में ऊपर नीचे आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और अभी देखेंगे रिसेंटली जब इनको ऑर्डर मिला है तो वहाँ पे इसका जो आउट परफॉर्मेंस सेक्टर बाय 3.2% ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। अभी अब रिटर्न देख लीजिए, 1 मंथ का 7% है, ए वाई टी डी का निगेटिव है, ये निगेटिव है, 3 ईयर्स का इसका एल रिसेंटली अभी लिस्टेड हुआ है। स्टॉक हैज गेन आफ्टर 3 डेज ऑफ कंसेक्यूटिव फॉल के बाद ट्रेंड पॉजिटिव बता रहा है कि अभी ये किया है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि इसको बाय करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशन भी है, 711 से बाय करना चाहिए, डेल्टा कैपिटल का रिकमेंडेशन भी है। साथ ही से क्लैरिफिकेशन शॉर्ट फ्रॉम द कंपनी रिगार्डिंग न्यू आर्टिकल्स अपीयरिंग ऑन द डब्ल्यू मनी कंट्रोल December 5, 18 टाइटल दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, उसको एक फाइन लगा है, किसी प्रोजेक्ट में इन्होंने फेल किया है तो उसका एक फाइन लगा है उनको। अब चलिए मार्केट कैप इसकी 6,151 करोड़ है, बुक वैल्यू 2%। अब देखिए डिलीवरी घटा हुआ है, अगर इतनी अच्छी कंपनी है 1200 से गिर रहा है तो डिलीवरी सिर्फ 20%, ऐसा क्यों? एक क्वेश्चनेबल चीज़ है जहाँ पे आपको कॉशियस होना चाहिए। तो क्या आपको दिलीप बिल्डकॉन नहीं बाय करना चाहिए? करना चाहिए। आपको SCP इसमें लगा दीजिए, SIP लगा दीजिए। जहाँ तक मैं इसके मैनेजमेंट को जानता हूँ, दिलीप सूर्यवंशी जी को, और भोपाल से बिलोंग करते हैं, जहाँ सुना हूँ जितना इनके बारे में, एक बहुत ही स्ट्रांग पीपुल है। तो मेरे अंदाज से इथिक्स की यहाँ पे कोई चोरी नहीं हो सकती, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई केस नहीं आ सकता। और इनका जो ईयरली प्रॉफिट जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो ईयरली ज़्यादा आता है। और रिसेंटली इन्होंने भोपाल का मेट्रो का विनिंग किया है, कॉरिडोर बनाया है, तो अच्छा खासा अच्छे खासी इसके पास प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको एक स्टॉप, अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस 406 का मेंटेन करें और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऊपर की ओर जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 509 क्रॉस करेगा, इसको वापस फॉल होकर के एक बार नीचे आना पड़ेगा। अब देखेंगे एवरेज वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 125,000, 152,000, 433,000 हो रहा है। तो जब ये न्यूज आया था, ये देखिए न्यूज आपको दिखा देता हूँ, ये न्यूज आया, दिलीप बिल्डकॉन हैज 4% आफ्टर कंपनीज विन ऑर्डर वर्थ 1,000 करोड़, ने रिसीव लेटर ऑफ LOI फॉर ए न्यू OB रिमूवल कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग प्रोजेक्ट वैल्यू ₹1,000 करोड़ बाय द मानदी कोलफील्ड से इनको कुछ मिला है ऑर्डर, तो उसके चक्कर में ये 4% कंपनी गेन किया है। तो ये ओवरऑल इस कंपनी पे मेरे को बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें दिलीप बिल्डकॉन बहुत ही फेमस कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग सिविल एजेंसी सेक्टर से बिलोंग करता है और एक बहुत ही अच्छा शेयर है। फाइनेंशियल भी आप देखें तो फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है, फाइनेंशियल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर में भले इसका सेल्स थोड़ा गिरा था, आप देखेंगे तो 19 की जगह 16 हुआ था, सेल्स गिरा था। और सेल्स इसका क्या होता है, हर क्वार्टर टू क्वार्टर देखना थोड़ा बुड़बका ही है, क्योंकि इसके कोई भी प्रोजेक्ट ईयर टू ईयर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डेब्ट 2700 करोड़ है आपके पास, जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1415 करोड़ ईयरली का है, जब आपका यहाँ पे देखेंगे आपका जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1500 करोड़ का है तो 2700 करोड़ 2900 करोड़ का डेब्ट से कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको बता ही दिया, 75 कॉन्स्टेंट रह रहा है। FI यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट बताया गया है। और इसमें मेन जो म्यूचुअल फंड है HDFC DSP SD, ये सारे म्यूचुअल फंड होल्डिंग अच्छे खासे किए हुए हैं। आपको ये भी बता दिया जो गिरवी रखे हुए हैं, 17% शेयर गिरवी इसके रखे हुए हैं। तो लगभग सारे स्टॉक की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब चार्ट पे इसको खाली ये बता देता हूँ आपको कि क्या रेसिस्टेंस लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता है एक बार ये 350 का ये देखिए, एक्चुअल में अगर इसको मैं इसको वीकली लेवल पर फॉल करूँ तो ये देखेंगे आप कंटिन्यूस एक फॉल का पैटर्न बनाए हुए हैं। और जब तक ये 524 के लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन बनाना बेवकूफ़ी है, मेरा अपना ओपिनियन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं और पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब तक ये 524 को नहीं ब्रेक करता है तब तक इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी का है तो आप इसको, अगर आप 1100-1200 में बाय किए तो इसको एवरेज करना चाहिए आपको। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए 409 का स्टॉप लॉस रखें, बाइंग पोजीशन पे बने रहें। आपको हो सकता है ये पहला 470-71 और फिर यहाँ से आपको 480-482
और 503 भी अगर होगा तो दिखा सकता है, लेकिन 503 क्रॉस नहीं करेगा। तो यही है शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए ये नीचे आपको कहां तक जा सकता है, तो नीचे ये बहुत अच्छे लेवल तक जा सकता है, वापस 365 के जो लेवल है उसको टच करके दिखा सकता है, और हो सकता है एक बार 250 भी टच करके वापस 220 का जो इसका ओरिजिनल लेवल था वो हो सकता है दिखाए। वो सिर्फ इसलिए दिखाएगा, आपको ये भी बता देता हूँ, जब ये भाग रहा था ना तो इस स्पीड से भाग रहा था कि किसी के हाथ नहीं लगा था ये। तो जो बड़े लोग यहाँ पे, बड़े एडवाइजर लोग, ये म्यूचुअल फंड में बड़े लोग आए होंगे, लिए होंगे टॉप पे, तो अब ये जरूर कोशिश करेंगे वो लोग कि सारे लोग बाहर निकल जाएं, छोटे रिटेलर सारे बाहर निकल जाएं और वापस ये 200 के अराउंड इसको बाय करें। अगर इसमें कोई फाइनेंशियल चीट नहीं है तो अभी तक कोई भी इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का न्यूज नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ हुआ, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए खुद इनकी स्टेक जो है ना 75% है, खुद की इनकी स्टेक 75% है और 18% में माइनस भी कर दो तो भी 60% के आसपास इनकी स्टेक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और FI जो होते हैं, और भी हमसे भी होशियार होते हैं, तो FI पहले बाहर निकला था, इस क्वार्टर में इन किया है, अब देखिए FI गेन कर रहा है, तो FI ऐसे तो आएंगे नहीं। तो ये शेयर तो अच्छा है, लेकिन एक बार इसमें आपको इससे बाहर निकाला जाएगा, अगर कोई भी इसमें डरेगा तो इसको बाहर निकाला जाएगा और इसको एक बार 364 जो पुराना लेवल है उसको टच करेगा, और वहां से होकर के एक बार हो सकता है ये 220 दिखाए और फिर यहां से जंप लेगा। और आपको ये बता देता हूँ आगे कमिंग डेज में, कुछ लोगों ने तो यहां तक लिंक किया कि MP में इलेक्शन है, इसके चलते ये फॉल कर रहा है, क्योंकि वहां के पोजीशन बहुत अच्छा है, उन वहां के जो कोई टॉप इलेक्शन जो भी है कि इलेक्शन में जो मेंबर होते हैं, मतलब कि नेता जो होते हैं, वो भी इसमें भागीदार है। वैसे इसने डिनाई कर दिया, उनके बेटे ने डिनाई कर दिया, जो स्ट्रेटजिक मैनेजर दिलीप बिल्डकॉन के, उसके बेटे ने डिनाई कर दिया। मैं आपको छोटा छोटा चीज़ एक छोटी छोटी और अवेयरनेस दे देता हूँ, जो कि इनके मैनेजमेंट है उनको सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। मैं पूरा वीडियो इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, आपका टाइम बर्बाद होगा, तो छोटा छोटा चीज़ इसके बारे में उसको सुनाता हूँ, तो आपको इससे पता चलेगा कि मैनेजमेंट का व्यू क्या है। खरीद के रखते थे कि पूरी पुलिस लाइन के बच्चे जो अच्छे खिलाड़ी उनको खिलाया करें, क्योंकि आम सिपाही हवलदार के बच्चे भी हमारे साथ खेला करते थे। टेबल टेनिस की टेबल उन्होंने 1964-65 में मुझे याद है, जब लोग टेबल टेनिस समझते थे तब हम लोगों को दिलाई थी। तो एक अजीब सा वो आम बॉन्ड क्रिएट करते थे जहां भी रहते थे। घर के सामने बहुत अच्छा गार्डन बनाया, पूरा भोपाल देखने आता था, शाहजहांबाद पुलिस लाइन में मैं रहता था। तो इस तरह से मेरे अवचेतन मन में काफी वो यादें समाई हुई हैं जो मेरे पिता ने मुझे अनजाने जाने में शिक्षा दी। मेरी माँ बड़ी स्ट्रांग थी, वो भी हम लोगों को समझाया करती थी, बिल्कुल कॉटन के कपड़े पहनाती थी कि बेटा नहीं, अपने को जिंदगी में जितने भी साधन मुहैया हैं ईश्वर ने करा, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं वो करें। तो व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे माता और पिता दोनों का एक अलग अलग टाइप का योगदान रहा। मेरे साथ कोई एम्प्लॉय नहीं, सब मेरे साथ मिल के काम करते हैं। ये एक भावना बड़ी प्रबल रही कि मेरे साथ कोई भी आदमी जो है वो मेरा साथी है, मेरा सहयोगी है। माता पिता का आशीर्वाद और साथियों का सहयोग, श्री दिलीप सूर्यवंशी जी ने हमेशा इन्हीं को अपनी सफलता का आधार माना है। अच्छे काम तो अटू अनंत काल तक चलते हैं, मैंने देखा। मेरी माँ मेरे पिता के बहुत पुण्य रहे होंगे, जो हमने तो इसका 1/10,000 भी नहीं सोचा था आज जहाँ पहुंचे हैं। एक पुलिस वाला, एक सरकारी आदमी का बच्चा कितना सोच सकता है, लेकिन चीजें अपने साथ होती चली गई, हमारे साथी लोग मिलते चले गए। हमारे देवेंद्र जैन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो 95 में आया, आज हमारे सारे प्रोजेक्ट्स वो देखते हैं। और मैं सोचता हूँ कि भारत में जहाँ तक इंजीनियरिंग का सवाल है, देवेंद्र जैन हाईवे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, वो पूरे स्टेट्स की सब समझते हैं। जिसने हमारी मदद करी है, अवचेतन में हमेशा वो जिंदा रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने किसी को किया। हर रिश्ता किस मोड़ पर जाकर कितना महत्वपूर्ण बन जाए, ये आप सोच नहीं सकते। श्री दिलीप सूर्यवंशी ने न सिर्फ एक सफल मुकाम हासिल किया है, बल्कि मुश्किल समय और चुनौतियों से भी जूझ कर एक विजेता बनकर उभरे हैं। जिंदगी की शुरुआत मैंने जब व्यापार में करी, तो शुरू के 4-5 साल हर प्रोजेक्ट में घाटा हुआ। जैसे मैंने बताया कि व्यापार करना आता नहीं था, व्यवहार में थोड़ी टफनेस होती थी, जो भी होती थी। मेरे शादी हुई, उसके बाद मुझे याद है कि ऐसी आर्थिक स्थितियां बदली कि पत्नी क्या, मेरी पत्नी बेचारी मेरे को सहयोग देती, सीमा सुवंशी मेरी जो पत्नी है, उन्होंने सारे आर्नामेंट तक गिरवी रखे। उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, तो मेरे एक मित्र थे जिनका पेट्रोल पंप है, राजीव जी, उनसे मैंने कहा यार जरा इसके मिठाई के भी पैसे दो और अस्पताल के भी दो। तो जिंदगी ऐसे मोड़ों से गुजरती रही, लेकिन एक अजीब सा विश्वास रहता था, मेरी अप्रोच में कोई फर्क नहीं रहता था जिंदगी के प्रति। और हर साल जहाँ परेशानी आती थी तो कोई ऐसा हाथ था जो ऊपर निकाल के ले जाता था, क्योंकि प्रयासों के अभाव मैंने कभी जीवन में नहीं होने दिए। सबसे खराब समय देखा, आप सोचिए एक बच्चा पैदा हो रहा है एक पिता को,
या वाइफ की शादी के बाद क्या इंप्रेशन पड़ता होगा, यार ये किस तरह के परिवार में मेरा विवाह हो गया। हमारे जीवन चक्र है सब, कई तरह की चुनौतियां आपको देनी पड़ती हैं, कई तरह के समझौते आपको करने पड़ते हैं, उसमें अगर आपके साथी आपके साथ असहयोग करें तो लंबी लड़ाई में आपको तकलीफ दे जाते हैं। चीज साथियों का सहयोग बहुत जरूरी होता है, चाहे वो परिवार के हों लोग हों चाहे मित्र हों, ये मेरा बहुत तगड़ा सोच है। भविष्य में भी दिलीप बिल्डकॉम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लक्ष्य के साथ श्री दिलीप सूर्यवंशी सभी को अच्छाई में भरोसा रखने का मैसेज देते हैं। हम लोग अभी आईपीओ के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि अब जहां भी काम करें हमारा सम्मान बना रहे, अच्छा काम करें, अच्छे रोड दें। हमारी टीम का कल्चर जो है वो अच्छे काम का है, अभी तक हम लोगों को काफ़ी बोनसेस भी मिलते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि अर्ली कंप्लीशन करते हैं हम। अब हम लोग इसलिए इरिगेशन सेक्टर में भी आ गए हैं, बिल्डिंग वर्क भी करने लगे हैं, अर्बन पाइपलाइंस के काम का भविष्य तो हमारी कंपनी ने इस साल वहाँ भी डाइवर्ट किया है। तो हम लोग नई नई अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं, क्योंकि एक जगह स्टेगनेट हो गए व्यापार नहीं चलता है। और अभी तक सम का तजुर्बा कीजिए, आप अपने सम के पाइए, सम के आकलन से आप पाएंगे कि जिंदगी और लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लाजवाब होते हैं, हर आदमी के अंदर मदद करने का बेपनाह अंश बना रहता है, लेकिन आपको इंसान अच्छा बनना पड़ेगा तब सामने वाला आपको अच्छा इंसान मिलेगा। जैसा खुद रहेंगे वैसा पाएंगे आप, ये जीवन का बिल्कुल मुझे लगता है एक सत्य है जो मैंने तो महसूस किया, बाकियों का मैंने कहा। दूसरा वीडियो देखते हैं जहाँ पे कि ये एक मैसेज आया था कि आईओसी का इन्होंने ये आईओसी बिजनेस में जा रहे हैं और एमपी इलेक्शन का इन पे कुछ इफेक्ट है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई आईओसी से लेना देना नहीं, मैं आईओसी के एक प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ, जिसके बाद ये शेयर गिरा था। आइए इसको देखते हैं। Okay, it was, as you would understand, was a little concerned about this one. Another thing which the market has always been concerned about, Rohan, since your listing, and correct me if I'm wrong here, is the bigger challenge that would come about once Madhya Pradesh goes for elections. Tell us, for the benefit of our viewers and your investors, what is the exposure that you have in the state of Madhya Pradesh? What is the percentage of revenues that comes in from the state? And if indeed there is any change of government at the top, would you also stand to be affected by it? So firstly, Dilip Bildcon is a company which has a pan-India presence right now. We're present in 17 states across India. Our order book is about 25,000 crore, which is spread across. And 95% of our order book is actually from the central government. So we don't really work with state governments. Now, specifically, if I talk about three states which are going to elections right now, you know, Rajasthan, MP and CG. If I talk about all these three states put together, of my 25,000 crore plus order book, in total the orders from these three states put together is not even 1,000 crores. And that also... तो ये था जो इन्होंने clarify किया कि MP से हमारा कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है और MP में total भागीदारी भी जो है इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। तो इन सबों को लेकर के अगर हम बात करें तो वापस अगर चले तो दिलीप बिल्डकॉन एक अच्छी कंपनी है, सेंटिमेंट देखेंगे तो 50% बाई का है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। एक बार नीचे के लेवल को वापस 365 के लेवल को टच कर सकता है और 545 के लेवल को क्रॉस करता है तो लॉन्ग टर्म पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है। अगर ऊपर में कोई लोग फंसे हैं तो नीचे की ओर इसको एवरेज करें। ये आगे 5 साल में, ये आपको 5 साल के पहले ही हो जाएगा ये, लेकिन ये आगे 5 साल में हाथ नहीं लगेगा जो मुझे मालूम है। और एक चीज़ इसके बाद बता दो, ये डिविडेंड भी देती है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड, देखो अगर अच्छी कंपनी है तो आपको बोनस भी देगी, डिविडेंड भी देगी। तो कॉर्पोरेट इसको अगर देखेंगे, एक मिनट दिखाता हूं आपको, तो इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। ये देखिए इस ईयर इन्होंने 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो अर्न कर रही है, बिजनेस कर रही है, और अगर वो आपको शेयर होल्डर को पैसा दे रही है तो ये भागने वाली जैसी कोई कंपनी लगती नहीं है और ऐसा कोई फाइनेंशियली पोजिशन में जो कहीं दिखता नहीं है। अगर मैं किसी भी के स्ट्रक्चर में कुछ भी देखने जाऊँ, चाहे कैश फ्लो से लेकर के कुछ भी देखो, तो मुझे कहीं दिखता नहीं है कि ये कोई खराब कंपनी है। इसके कारण कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर अभी तक इस पर कोई भी अपनी कंसस डिसीजन नहीं बना पाए। नीचे की ओर ये जाया जा रहा है, नीचे डेली लो लगा रहा है और स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, न्यूज मीडिया में कुछ ना कुछ आते रहता है, तो क्या करना चाहिए? तो जैसा बताया, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपको 711-800 वापस देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है।
लेकिन अभी का जो ट्रेंड है ये लोअर लो का ट्रेंड है जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे, और हो सकता है एक बार ये 250 365 को भी नीचे जाएगा, जो 365 है वो तो जाएगा और उसके नीचे एक बार 250 बना सकता है और वहाँ से फिर आप लेगा। तो किसी को भी एसईपी मेथड से इसमें इन करना चाहिए। आज आप बाय कर लीजिए, कुछ 5 शेयर बाय कर लीजिए, 10 शेयर बाय कर लीजिए, फिर उसको जाके 10 शेयर बाय कीजिए, नीचे जाता है तो, नहीं जाता तो पड़े रहने दीजिए, अगर 800 जाता है तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता है। और मार्केट में एक ही स्क्रिप्ट नहीं, और भी सारे स्क्रिप्ट है आगे जाकर के। इस तरह की कंपनियों का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही अच्छा है। आपको खुद ही बता दिया कि उसके आपको वीडियो में सुना दिया कि उन्होंने सिर्फ आपको 1% 2% जो है वो पैन इंडिया कंपनी है, 20-25 स्टेट में उसका काम चल रहा है, वो सिर्फ 1-2% का जो 1000 करोड़ का ही, सिर्फ 27000 करोड़ में सिर्फ 1000 करोड़ का उसका जो है एमपी से है। ये सारी चीज़ों को जानते हुए कोई स्टेट ओन कंपनी नहीं है वो, तो ऐसा कोई इलेक्शन का भी कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं उस पर। और लेकिन हाँ, अभी तो वो टाइम बींग जो भी सेंटिमेंटल फॉल है ये जाएगा और ट्रेडर इसमें खेलेंगे, ट्रेडर खेल रहे हैं वो खेलेंगे, और हो सकता है इसको नीचे और भी लाएंगे ताकि रिटेलर सब बाहर हो जाए इससे। लेकिन मुझे पर्सनली ये देख करके और उनके विजन को देख करके, दिलीप सूर्यवंशी जी के विजन को देख करके, मुझे नहीं लगता है कि ये चीटर हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई भी न्यूज आई नहीं है तो मैं इसको पॉजिटिव देता हूँ, पॉजिटिव ढंग से देखता हूँ, और मैं इस पर धीरे धीरे पोजिशनल बाय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए आपको हो सके तो आप इस पर पोजिशन बना सकते हैं। ये सारे एजुकेशन पर्पज से फिर भी आपको कोई पोजिशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।